वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर की। पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था सिग्मा कंपैरेटर के बारे में। तो दोस्तों, जो मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर है, इसका जो टर्म है वो एज अ कुक ऑप्टिकल कंपैरेटर। इसका जो नेम है ऑफ द कंपैरेटर इट्सेल्फ सजेस्ट करता है दैट एज अ ये क्या है मैकेनिकल पार्ट हैंड एंड ऑप्टिकल पार्ट मैकेनिकल पार्ट एंड एंड ऑप्टिकल पार्ट। इसमें जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है मेजरिंग प्लंजर का, वो जो इनिशियली एम्प्लीफाइड बाय अ लीवर मैकेनिज्म जो कि पिवोटेड अबाउट अ पॉइंट। आगे इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, इसका जो मैकेनिकल सिस्टम होता है वो कॉज अ प्लेन रिफ्लेक्टर टू टिल्ट अबाउट इट एक्सिस। दिस इज द फॉलोड अ सिंपल ऑप्टिकल सिस्टम वेयर इन अ पॉइंटेड इमेज इज प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन टू फैसिलिएट डायरेक्ट रीडिंग ऑन अ स्केल। दोस्तों, हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज योर प्लंजर और यहाँ पर देर आर सपोर्ट जिसकी बीच की लेंथ है L1, यहाँ पर एक और दिस इज L2 और फिर यहाँ पर L3। यहाँ पर हमने मिरर रखा है और यहाँ पर स्केल है दोस्तों, स्क्रीन स्केल। और यहाँ पर देखिए आप इसकी जो लेंथ दिखाएगी L4। फिर यहाँ पर हमने एक लेंस यूज़ किया, प्रोजेक्शन लेंस। यहाँ पर इंडेक्स, यहाँ पर आपका कंडेंसर और यहाँ पर लाइट सोर्स। तो देखिए दोस्तों, लाइट सोर्स से किस तरह से रेज जो आ रही हैं, फिर यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक होकर फिर यहाँ पर टकरा रही है मिरर से और फिर यहाँ पर स्क्रीन स्केल पे हमें क्या हो रहा दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसकी मैकवर्किंग के अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक सिंपल ऑप्टिकल सिस्टम है जहाँ पर कि पॉइंटेड इमेज जो है वो प्रोजेक्ट की जा रही है ऑन टू अ स्क्रीन टू फैसिलेट डायरेक्ट रीडिंग ऑन अ स्केल, जिससे हम आसानी से इसको रीड कर सकें स्केल को। तो जो प्लंजर है वो इज स्प्रिंग लोडेड है और सच दैट इट इज़ अ बायस टू एग्जर्ट और डोनर फोर्स ऑन द वर्क पार्ट। इसमें जो बायस है वो आल्सो इम्प्लाइड है, बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव रीडिंग देता है और डिपेंड करता है ऑन द वेदर द प्लंजर इज मूविंग अप या डाउन। इसका जो स्केल होता है सेट टू जीरो बाय इंसर्टिंग अ रेफरेंस गेज, कहाँ पर, बिलो द प्लंजर। अब रेफरेंस गेज जो होता है वो हम लेते हैं टेकन आउट द वर्क पार्ट इज इंट्रोड्यूस बिलो द प्लंजर। दिस ये जो डिफरेंस है कॉज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लंजर जो कि एम्प्लीफाइड कर रहा है बाय द मैकेनिकल लीवर। ये जो एम्प्लीफाइड मैकेनिकल मूवमेंट है वो फर्दर एम्प्लीफाइड बाय द ऑप्टिकल सिस्टम ड्यू टू टिल्टिंग द प्लेन रिफ्लेक्टर। आगे दोस्तों बस समझते हैं कि जो इंडेक्स है जो कि नॉर्मली कंप्राइज टू सेट ऑफ क्रॉस वायर्स और इमेज प्रोजेक्टेड बाय अदर लेंस दोस्तों, ये सब ऑन टू द प्लेन मिरर। इसका जो मिरर है इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्ट द इमेज इन द सर्फेसिस। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एम्प्लीफिकेशन जरूर यूज़ करते हैं हम लोग वर्ल्ड एम्प्लीफिकेशन करना, तो यहाँ पे मैकेनिकल एम्प्लीफिकेशन निकालने के लिए हमें क्या पड़ेगा, जो डायमेंशन है L2 अपॉन L1 और ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन निकालने के लिए 2 times L4 अपॉन L3। L4 L3 क्या है मैंने आपको डिस्कस करा दोस्तों। और इस तरह से जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है ये आपका इंडिकेट हुआ है, तो ओवरऑल मैकेनिकल फैक्टर कैसे मिलेगा, 2 times L4 अपॉन L3 into L2 अपॉन L1 दोस्तों। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर जो है वो वर्क करता है, इसका फिगर किस तरह से आपको ध्यान रखना है और ये किस तरह से ये एम्प्लीफिकेशन करता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे दोस्तों जीसस अल्ट्रा ऑप्टिमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।